हाय गाइस, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। आज हम नेवी एमआर एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए गणित का प्रैक्टिस लेके आए हैं। इस पे हमारा टॉपिक रहेगा चाल, समय और दूरी का, पार्ट वन में देखेंगे। क्योंकि काफ़ी दिन से कॉल भी आ रही, कमेंट्स भी आ रहे सभी के कि मैथ की क्लास नहीं आ रही, मैथ की। तो मैथ की क्लास भी आपको 12 तारीख से कंटिन्यू रहेगी प्रवीण सर की। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड से दिया हुआ होगा बेल आइकन, उसे प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, जिससे कि आप देखें। और एमआर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमआर और एयरफोर्स बाई ग्रुप वाले बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन आया मेरा, एक कार किसी निश्चित दूरी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुणे चली गई दूरी गुणित वापस लौटी वो वाली दूरी बटे पहली दूरी प्लस दूसरी दूरी। तो यहाँ चाल जिस चाल से गई है, जिस दूरी पर, ठीक उसका हम स्पीड मान के गुणा कर लेते हैं। जैसे 2s1 × s2 / s1 + s2। ठीक है, तो यहाँ s1 है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और s2 है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर हम 2 का गुणा कर लेंगे, 60, 2 को गुणा 60 × 80 / 60 + 80। तो सबसे पहले हमने 60 और 80 का गुणा किया तो मेरा हो गया 4800, और 80 और 60 को जब हमने जोड़ा तो हुआ 140। तो इधर 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, अब मेरे रह गए 14। तो 2 से ये 14 काटे, 7 बार कट गए। अब 7 का भाग 480 में जब दिया तो ये आ गया 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। इसमें देखना है आपको, एक कार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो एवरेज औसत चाल क्या होगी इसकी, ये पूछा है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला वही है, 2 × पहली चाल × दूसरी चाल / 60 + 40, 6 × 24, तो हो गए 2400। इधर हो गए 2400, और ये 0 से 0 कैंसिल दोनों हो गई हैं। अब नीचे आपका एक रह गया, 2 का गुणा हमने 24 में किया है तो मेरा आएगा 48। ठीक है, तो मेरा आंसर राइट हो गया है 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन कार द्वारा ली गई समय का अनुपात 4:3:6 है। तीनों कारों द्वारा लिया गया समय का अनुपात 4:3:6 है, तो चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं ऐसे भी, अब समय हमारा है 4:3:6। ठीक है, एक बात याद रखो, जब भी चाल का अनुपात पूछा तो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने नोट में यहां लिख भी दिया है, आप लोग नोट कर लें। तो व्युत्क्रमानुपाती हमेशा एक का बटे किया जाता है, तो यहाँ चाल दी है 4, 3, 6, तो लिखेंगे 1/4, 1/3, 1/6। ठीक है, अब 4, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। ठीक, अब 12 में 4 का भाग लगा देंगे, 4 का भाग जब हम 12 में देंगे तो भाग हमारा 3 बार जाएगा, 4 × 3 = 12, 0 हो गया नीचे। ठीक, अब 3 का भाग देंगे इसी प्रकार 12 में तो जाएगा 4 बार, फिर 6 का भाग देंगे 12 में तो जाएगा 2 बार, तो हमारा राइट आंसर ये हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 8:4:6। ठीक है, ये अभी करा है, जस्ट वैसे ही किया जाएगा ऐसे जो हम पीछे बता चुके हैं। समय होता है चाल का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो हमारा दिया है 8:4:6। ठीक, अब समय को लिखेंगे हम 1/8, 1/4, 1/6, तो इसका एलसीएम जो हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, 24 में
आठ का भाग देंगे तो भाग हमारे 8 3 24, 4 6 24, 6 4 24, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3:6:4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। एक कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, जब भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 का गुणा होगा, मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5 का गुणा होगा। अभी ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आप देखना, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तब तक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 120 किलोमीटर यहाँ हमने लिख लिए, यहाँ कर दिए 5/18। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे, इसे काट लेते हैं 9 से, 6 से काटते हैं, 6 3 18। ठीक, और 6 2 12, तो हमारे पास कितना हो गया है, यहाँ 20 रह गए हैं, यहाँ 5, यहाँ 3। अब 20 में 5 का हम जब गुणा कर देंगे, यहाँ पे देखिए 20 5 100, और 3 का भाग लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से दिया होगा वहाँ पर, नहीं 100/3 मीटर पर सेकंड भी दिया होगा, या 100 का भाग 3, 3 का भाग 100 में देंगे, 33.33 दिया होगा आंसर, उस पर हम सही का टिक लगा देंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के रिलेटेड है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। ठीक है, तो हमने 54 वैसे ही लिख लिए, जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब 18 का भाग डायरेक्ट लगा देंगे, 18 1 18, 18 3 54। ठीक, इधर 5 रह गए, 5 और 3 का जब हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 72 सेम वैसे ही लिख लेंगे हम वहाँ पे, 72 72 लिख लिया वैसे ही, गुणा 5/18। ठीक है, तो फिर 18 का काटेंगे डायरेक्ट 72, 18 1 18, 18 4 72। अब 4 और 5 का गुणा इधर कर दिया हमने, तो 4 5 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना आपको, तो भाई बताया फॉर्मूला वही रहेगा आपका, 90 गुणा 5/18। ठीक है, 18 1 18, 18 5 90, तो हो गया 5 × 5 आपका, ये 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो अभी हमने पीछे भी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो फिर बता रहा हूँ दोबारा, एक बार नोट्स देख लीजिए आप। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर 18/5 का गुणा करते हैं हमेशा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ 15 लिख लिया, और मीटर पर सेकंड के लिए 18/5 का गुणा करेंगे, 5 1 5 5 3 15, तो इधर मेरे बचे हैं 18 × 3। ठीक, 18 को गुणा करेंगे 3 में, तो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे को। सेम अभी यही क्वेश्चन बताया था, वो उधर पूछा गया था मीटर पर सेकंड में, इधर पूछा गया 54 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यही इनका रिलेशन है आपस में चेंज करने का, चेंज करते रहेंगे। आगे है, 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ठीक है, 30 को, तो यहाँ 30 × 18/5 लिख लिया हमने, फिर काचा 5 1 5, 5 6 30, और 18 और 6 का इधर गुणा किया हमने, तो हो गया 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 55 लिख लिए, यहाँ 18/5, अब डायरेक्ट हमने 5 से काटिए, 5 1 5, 11 5 55, जब 11 और 18 गुणा किया तो 198 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी दूरी आ गई। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, यहाँ दूरी पूछी गई है और चाल दी गई है, तो आपको सीधे तो पता है कि फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, अब यहाँ 144 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चाल और समय दोनों का गुणा होगा तभी तुम दूरी निकालेंगे, तो हम
144 और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 कर देंगे, ठीक है। तो 18 से हम काटेंगे, 18 एकम 18, 18 ठीक 144, ठीक हो, यहाँ पे हो गई। अब इधर जो हमारे 8 बचे और ये 5 यहाँ बचे हैं, तो 8 और 5 का गुणा कर देंगे, 8 × 40, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो रेलगाड़ी दूरी तय करेगी 40 मीटर प्रति सेकंड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसकी चाल पूछी गई थी, चाल निकालेंगे 40, उधर मेरा किलोमीटर प्रति घंटा चेंज किया तो इतना आ गया 40 यहाँ पे, और समय पहले दिया यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड में, 1 सेकंड इसको भी हटा दें, कहाँ बीच में आ गया। तो हमारी चाल कितनी आ गई थी, 40 मीटर प्रति सेकंड आ गई थी। इधर दूरी है 40 × 15, 15 × 60 यानी 600 हो गए। ये अभी आपको दिखेगा, 1 सेकंड दिख नहीं रहा यहाँ से, लो अब दिखिए पूरा 600 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 24 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको अभी एक क्वेश्चन जस्ट पता है, फिर देखते हैं एक बार, स्पीड लिखेंगे इसकी, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 का गुणा कर देंगे, 18 एकम 18, 18 × 5 = 90 हो गए। तो मेरे 5 इधर बचे, 5 इधर, तो 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई है। अब निकालनी है आपको दूरी, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी आई है, 25 मीटर प्रति सेकंड, इधर 24 सेकंड, ठीक है। अब 25 × 24 करेंगे तो हमारा हो जाए 600 सेकंड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक। अब पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा जब दिया हुआ है तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए लिखेंगे 5/18, ठीक है, सेकंड में। तो 18 एकम 18, 18 × 72 हो जाता है, ठीक है। तो इधर आपके 5 पहले दिए, 4 और 5 20, 4 × 5 20 सेकंड हो गया इधर। अब इधर समय दिया हुआ है 2 मिनट, ये तो यहाँ 2 मिनट लिखेंगे, 2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि सेकंड इसकी चाल भी निकली सेकंड में, इसलिए मिनट में निकल दी तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते। तो सेकंड में चेंज करते हैं, 2 × 60, फिर हो गया यहाँ पे 60 × 120 सेकंड आ गया आपका, ठीक है। अब दूरी ज्ञात करते हैं, दूरी पूछी गई क्वेश्चन में। तो आपका समय आया 120 सेकंड और चाल निकली थी 20 सेकंड, तो इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा 2400 सेकंड। ये आपका आंसर अब हुआ है, ठीक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सारे क्वेश्चन पार्ट 1 के कंप्लीट हुए हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कि आपको प्रैक्टिस सेट में ये कैसे लगे क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर और बताइए, तो हम पार्ट 2 भी बहुत जल्द पहुँचाएँगे आपके, आपकी जितनी कमेंटें होंगी उतनी जल्दी पहुँचाएँगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नेवी एमआर एयरफोर्स बायो ग्रुप की ओनली अभी फ़िलहाल क्लास चलेगी, और एसएससी जीडी वालों आर्मी के लिए ये टॉपिक में आते हैं, तो ये लोग भी अपनी प्रैक्टिस करते रहें यहाँ से। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।